Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. अगर लोगों ने उसूलों पर अमल किया, इस साल हैलोवीन को मनसूख करने की ज़रूरत नहीं होगी। कनाडा की चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर थ्रेसा टैम का कहना है कि हालात मामूल पर लाने के लिए अहम इकदाम करना होंगे। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता दो रोज़ के दौरान सूबे में कोरोना वायरस के 1550 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मंगल के रोज़ सूबे में अगस्त के वस्त के बाद से सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना इमदादी फंड के लिए तकनीकी मुश्किलात का सामना करने के बावजूद शहरियों ने पहले दिन कनाडा कोरोना बेनिफिट्स के लिए बड़ी तादाद में दरख्वास्त दी। CRA को 2,40,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तला के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,86,881 हो गई। कोरोना की दवा से खुद को सुपरमैन महसूस कर रहा हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमारे पास जल्द वैक्सीन आ जाएगी। सदर ट्रंप ने जो बाइडन पर तंज करते हुए कहा कि मुहिम इतनी तेज क्यों चलाते हो, जरा ब्रेक लगाओ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,84,23,691 तक जा पहुंची है। इस मौजी वायरस से हलाकतें 10,91,747 हो गईं। अफगानिस्तान से मजीद अमरीकी फौजियों का इनखला, तालिबान की जानिब से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कमी और अमन माहिदे के तमाम नुकात पर अमल दरामद से मशरूत। रवां बरस 29 फरवरी को अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान अमन माहिदे तय पाया था, जिसके तहत अमरीकी फौजियों को 14 माह में अफगानिस्तान से अपनी फौजी वापस बुलाने थे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Greenish hand sanitizer, Ala Green quality, 75% food grade alcohol, non-sticky or non-oily formula. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareede ya hamari website par order kare www.greenish.com. Canada mein aapke paas doctor aur lawyer hona bahut zaruri hai. Hum aapko batane ja rahe hain ek aisa naam jo hai reliable, trustworthy and honest. Law firm of Shikha Sharda, 905-956-6699 for family law, real estate, wills और किसी भी तरह के affidavit या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 905-956-6699 पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा 905-956-6699। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में कोरोना वायरस में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता दो रोज़ के दौरान सूबे में कोरोना वायरस के 1550 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे के कुछ स्कूल बोर्ड्स ने इम्तहानात ना लेने का फैसला किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में कोरोना वायरस में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता दो रोज़ के दौरान सूबे में कोरोना वायरस के 1550 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मंगल के रोज़ सूबे में कोरोना वायरस के 746 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि पीर के रोज़ ये तादाद 807 थी। मंगल के रोज़ सूबे में अगस्त के वस्त के बाद से सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस की वजह से ओंटेरियो के कुछ स्कूल बोर्ड बशमूल ग्रेटर टोरंटो एरिया इस साल हाई स्कूल के तलबा के लिए हतमी इम्तहान नहीं लेंगे। टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने फैसला किया है कि इसके क्वार्ट मास्टर एक और दो क्लासों के लिए कोई हतमी इम्तहान नहीं होगा, लेकिन TDSB के तर्जुमान रियान बर्ड के मुताबिक उसने भी अपने क्वार्ट मास्टर 3 और 4 क्लासों के लिए कोई फैसला नहीं किया। TDSB के मुताबिक ओंटेरियो की वजारत तालीम ने स्कूल बोर्ड्स को बताया है कि वो अपने तालीमी साल के कैलेंडर से इम्तिहानात के नामजद करदा दिन निकाल सकते हैं और उनको क्लास में तदरीसी वक्त के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरोना इमदादी फंड के लिए तकनीकी मुश्किलात का सामना करने के बावजूद शहरियों ने पहले दिन कनाडा कोरोना बेनिफिट्स के लिए बड़ी तादाद में दरख्वास्त दी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
कोरोना इमदादी फंड के लिए तकनीकी मुश्किलात का सामना करने के बावजूद शहरियों ने पहले दिन कनाडा कोरोना बेनिफिट्स के लिए बड़ी तादाद में दरख्वास्त दी। हुकाम के मुताबिक कनाडा की रेवेन्यू एजेंसी को 2,40,640 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। ये उन लोगों के लिए खुला है जो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के लिए अहल नहीं होते, क्योंकि उन्होंने इसमें कभी अदायगी नहीं की थी या उसके पास काफी वक्त नहीं है। इस प्रोग्राम का मकसद कनाडा इमरजेंसी रिस्पॉन्स बेनिफिट को तब्दील करना है, क्योंकि हुकूमत लोगों को तौसी शुदा अहलियत के साथ प्रोग्राम में तरमीम या 3 नए फवायद में से किसी एक को मुंतकिल करना चाहती है। ऑन्टेरियो और क्यूबेक ने कोरोना वायरस के फैलाव को सुस्त करने के लिए रेस्टोरान, बार, फिटनेस सेंटर्स और दीगर कारोबारों पर हदफबंदी पर पाबंदी आयद करने के साथ ही ऑन्टेरियो और क्यूबेक में नया कानून नाफिज किया गया है। दरख्वास्तों के इफ्तिताह से कबल एक तकनीकी ब्रीफिंग के दौरान एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा के अहदेदारों ने बताया कि वो तवक्को करते हैं कि आने वाले हफ्तों और महीनों में 8,90,000 कारकुनान कनाडा भर से फॉर्म जमा करेंगे। हुकूमत के हालिया आदाद शुमार के मुताबिक CERB जो अब खत्म कर दिया गया है के जरिए 8.9 मिलियन अफराद को $81.64 बिलियन की अदायगी की है। कनाडा में क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 87,791 हो गई है। ऑन्टेरियो में तवातुर के साथ कोरोना के नए केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तला के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,86,881 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,654 है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 87,791 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,970 तक पहुंच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 60,692 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 3,017 है। अल्बर्टा में 20,956 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 286 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 10,734 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 250 है। प्रेस ब्रीफिंग से खताब करते हुए कनाडा की चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर थ्रेसा टैम का कहना था कि सूरत हाल मुल्क भर के पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स के लिए अहम है। महकमा सेहत की जानिब से कहा गया है कि हालोवीन का त्यौहार महफूज तरीके से मनाने के लिए हिदायत वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर थ्रेसा टॉम का कहना है कि अगर लोगों ने उसूलों पर अमल किया, इस साल हॉलोवीन को मनसूख करने की जरूरत नहीं होगी। उनका कहना था कि इस साल के लिबास में मास्क को भी शामिल किया जाए। उनका कहना था कि हालात मामूल पर लाने के लिए अहम इकदाम करना होंगे, क्योंकि ये साल गुज़िश्ता सालों से मुख्तलिफ होगा। ऑटोवा में प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए डॉक्टर टीम का कहना था कि ये सूरत हाल मुल्क भर के पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स के लिए अहम है। टीम ने जोर देकर कहा कि वालदैन और बच्चों को कोरोना वायरस से मुताल हुकूमती हिदायत पर अमल करना चाहिए, क्योंकि चंद मकामात पर केयर्स का दबाव बहुत ज्यादा है। महकमे सेहत की जानिब से कहा गया है कि हेलोवीन का त्यौहार महफूज तरीके से मनाने के लिए हिदायत वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। सारा ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में एक बड़े जलसे से खिताब किया। उन्होंने हजारों वोटर से खिताब करते हुए कोरोना वायरस में मुब्तला होने की कहानी सुनाई। कहते हैं कोविड-19 के दौरान उन्हें ऐसी दवा दी गई जिसके बाद वो अपने आप को सुपरमैन महसूस करते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर ट्रंप ने कहा है कि कोरोना के दौरान उन्हें ऐसी दवा दी गई जिसके बाद वो अपने आप को सुपरमैन महसूस कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने जो बाइडन को झूठा भी करार दिया। जो बाइडन का कहना था कि सदर ट्रंप ने बड़े बुरे तरीके से कोरोना वायरस की वबा को हैंडल किया। सदर ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में एक बड़े जलसे से खिताब किया। उन्होंने हजारों हिमायतियों से खिताब करते हुए कोरोना वायरस में मुब्तला होने की कहानी सुनाई। कहते हैं कोविड-19 के दौरान उन्हें ऐसी दवा दी गई जिसके बाद वो अपने आप को सुपरमैन महसूस करते हैं। सदर ट्रंप ने कहा वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे पास जल्द वैक्सीन आ जाएगी। सदर ट्रंप ने जो बाइडन पर तंज करते हुए कहा कि मुहिम इतनी तेज क्यों चलाते हो, जरा ब्रेक लगाओ। उन्होंने जो बाइडन को झूठा भी करार दिया। दूसरी जाने फ्लोरिडा में डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने खिताब करते हुए कहा कि सदर ट्रंप ने बड़े बुरे तरीके से कोरोना वायरस की वबा को हैंडल किया। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 2,20,900 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं, इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,84,23,691 तक जा पहुँची है। इस मूजी वायरस से हलाकतें 10,91,747 हो गई, जबकि 2,88,81,556 कोरोना मरीज सेहत याब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस के एतबार से 10 सरे फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से ज्यादा आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 2,20,900 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमुई तादाद 80,93,600 हो चुकी है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना से 1,10,645 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 72,41,517 हो गई। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर चला गया है, जहां ये वायरस 1,51,063 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 51,14,823 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 23,205 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 13,40,409 हो चुकी है। फहरिस्त में 10वें नंबर पर फ्रांस पहुँच चुका है, जहाँ कोरोना वायरस की वबा से मजमुई अमवात 32,942 हो चुकी है, जहाँ इस वायरस के अब तक कुल केसेस 7,56,472 रिपोर्ट हुए हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 20वें नंबर पर है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 5,087 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,40,089 तक जा पहुंची है। अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ चेयरमैन जनरल मार्क मिले ने एक इंटरव्यू में कहा कि अफगानिस्तान से अब भी 4,500 अमरीकी फौजियों का इनखला बाकी है, जिनके अफगानिस्तान से वापसी इसी सूरत में मुमकिन होगी जब तालिबान हमलों में कमी करते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेंटागन ने कहा है कि अफगानिस्तान से मजीद अमरीकी फौजियों का इनखला तालिबान की जानिब से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कमी और अमन मुहिदे के तमाम नुकात पर अमल दरामद से मशरूत है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ चेयरमैन जनरल मार्क मिले ने एक इंटरव्यू में कहा कि अफगानिस्तान से अब भी 4,500 अमरीकी फौजियों का इनखला बाकी है, जिनकी अफगानिस्तान से वापसी उसी सूरत में मुमकिन होगी जब तालिबान हमलों में कमी कर दें और काबुल हुकूमत के साथ अमन मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त पर आमादा हों। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो अमरीकी फौजियों की क्रिसमस तक अपने वतन वापसी चाहते हैं, ताकि फौजी अहलकार क्रिसमस का जश्न अपने अहले खाना के हमरा मना सकें। जबकि ओपोजिशन जमात का कहना था कि अमरीकी सदर इंतखाबी मुहिम की कामयाबी के लिए लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं और ऐसे दावे कर रहे हैं जो काबिल अमल नहीं। वाज़ेह रहे कि रवां बरस 29 फरवरी को अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान अमन मुहिदा तय पाया था, जिसके तहत अमरीकी फौजियों को 14 माह में अफगानिस्तान से अपनी फौजें वापस बुलानी थीं, जिसके लिए तालिबान ने अपनी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कमी और काबुल हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का वादा किया था। टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेक टीवी। डेली कैनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टेक टीवी। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.